तो मुखिया भी फकीर है, झोला लेगा और कहीं चला जाएगा। मुखिया को नहीं सोचना है, सोचिए आप जिसको सत्ता का लोभ पकड़े हुए है और अपने सत्ता के लोभ में पूरे ग्राम पंचायत के व्यवस्था को आप ध्वस्त करना चाहते। आबादी गांवों में रहती है बिहार की, उन तक सभी योजनाओं का लाभ मुखिया अगर चाहेगा तो सभी ग्राम पंचायतों से आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप सभी फेंका करके कहां कितना दूर जाइएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। प्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, सुरक्षा की गारंटी सहित कुल 19 मांगों के साथ आज जिले भर में जो प्रखंड जितने भी हैं 21 प्रखंड पर मुखिया संघ का जो है वो धरना चल रहा है। सरकार से जो हम लोगों की 19 सूत्री मांग है कि जो हमारी ग्राम सभा की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को वैसा ही रखा जाए ताकि हम लोग जनता की जो हमारे पंचायत के लोग हैं, 75% आबादी गांवों में रहती है बिहार की, उन तक सभी योजनाओं का लाभ हम लोग पहुँचा सके। लोगों का सड़क बने, लोगों का नाला बने, लोगों का घाट बने, लोगों का प्रधानमंत्री आवास मिले, लोगों को कबीर अंतुष्टि योजना का लाभ मिले, पारिवारिक योजनाओं का लाभ मिले, हम लोगों की भत्ता में बढ़ोतरी करे, यही सब बेसिक मांगे हैं हम लोगों की। विधान में 73वां संशोधन हुआ, गांधी जी के हमारे राष्ट्रपिता के सोच के अनुरूप जो संविधान में संशोधन हुआ कंप्लीट, अभी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तो जो राष्ट्रपिता के सोच को जहां ध्वस्त कर सकता है और लोगों की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर बात हुई है जो पंचायत में क्या है, और बहुत लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि पंचायत के मुखिया जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैं 2001 से मुखिया हूँ, 2001 में जब मुखिया था तो उस समय की स्थिति और आपके अभी की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे अधिकारों को काटते काटते इतने निचले स्तर पर पहुँचा गया कि हम तो रबर स्टाम्प हो गए। और इतना ही नहीं बात है, आप इस व्यवस्था को ख़त्म कीजिए ना। क्यों मुखिया, क्यों पंचायत, जब ब्यूरोक्रेट्स ही चलाएंगे, जब आप अपने तरीके से विधानसभा में बैठ करके गांव को चलाएंगे तो चलाइए ना, कहां कोई दिक्कत है। आप फिर संविधान में संशोधन कर दीजिए, ग्राम पंचायत खत्म। नहीं, अगर ग्राम पंचायत को रखते हैं तो जो इसका वैतिक अधिकार है, जो उसके जड़ में अधिकार है, वो अधिकार दीजिए। इसको कटौती करके नहीं लाइए, ग्राम सभा के महत्व को लाइए। आपने ग्राम सभा, आम सभा, सबके महत्व को खत्म कर दिया है। आप हमको जबरदस्ती कहते हैं कि इस मुद्दे पर ग्राम सभा कीजिए, ये तो गलत बात है, ये तो प्रेशराइज करते हैं आप। और सरकार की यही नीति है कि ग्राम सभा इससे करवाओ और मनमानी अपने तरीके से करो, उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। और ये हड़ताल कहाँ तक जाएगी, हम ग्रास रूट में जो अभी ऊपर बैठकर आदेश दे रहे हैं उनको यह नहीं मालूम है कि हम ग्रास रूट पर हैं। मैं अगर मुखिया अगर चाहेगा तो सभी ग्राम पंचायतों से आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप सभी फेंका करके कहां कितना दूर जाइएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम जनता के सबसे नज़दीक हैं। और हम कहीं अभी आपको सुधार करना है, आप सुधार प्रशासनिक स्तर पर कीजिए ना। आप प्रशासनिक स्तर पर कोई सुधार नहीं करते हैं, बेशुमार उसको पावर दिए हुए हैं, ना आपका कोई कंट्रोल पुलिस पर है, ना आपका कोई कंट्रोल अपने प्रशासनिक पदाधिकारी पर है। बात है कि आप जो जो फरमान करते हैं वो तो पूरा करके प्रशासनिक पदाधिकारी देते हैं, तो वो भी जो जो मन में आता है वो करते हैं। ग्रास रूट पर हमको हमारे अधिकारों की कटौती, हमारे साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है, और गरीब आम जनता जो गाँव की रहने है उस पर सरासर आप अन्याय कर रहे हैं। क्यों कि उसके मन की बात अगर वो कुछ भी कहना चाहता था तो वो ग्राम सभा में कहता था, वो अपने मुखिया जी को कहता था, जिसको ग्राम सभा में ला करके उसके निदान की कार्रवाई हम लोग करते थे। लेकिन उस सभी व्यवस्था को आपने समाप्त कर दिया। आप भी चेत जाइए, हम लोग भी पूर्ण रूप से आंदोलन के मूड में हैं, और जहाँ तक चलेगा देखेंगे, सबको जेल जाना होगा, जाएंगे। आप यही ना धमकी देंगे कि जेल भेज देंगे, आप हमारी बात को नहीं करेंगे तो हम लोग भी कमर कस लिए हैं, सामूहिक रूप से जेल भेज दीजिए, बस हमारा इतना ही कहना है। मैं अपने भाषण में कमीशन की बात की है, तो कमीशन किस स्तर पर और कैसे हो रहा है? देखिए, ये तो सार्वजनिक मंच है, अंडरस्टूड सभी को है। अब सभी बात को हम खुल के आपके सामने पत्रकारों के माध्यम से कहें, और यहाँ तो सबके दिल में बसता है ना, सब अपने अपने दिल से यह औकात समझ करके बोलता है, और अपने अपने मुताबिक सब कहीं ना कहीं लेने के फिराक में है, और जो सबसे ऊपर बैठा है उसको सबसे ज़्यादा चाहिए। हम तो कहाँ हैं, हम तो
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हम तो फकीर हैं, कहीं भी चले जाएंगे, तो मुखिया भी फकीर है, झोला लेगा और कहीं चला जाएगा। मुखिया को नहीं सोचना है, सोचिए आप जिसको सत्ता का लोभ पकड़े हुए है और अपने सत्ता के लोभ में पूरे ग्राम पंचायत के व्यवस्था को आप ध्वस्त करना चाहते हैं, बाज आ जाइए इससे। नहीं तो हम भी तो फके झोला लेके जब घूमना होगा तो हम भी झोला टांगेंगे, सरकार के खिलाफ चलेंगे। बड़ी यही हम लोग जो सरकार पर में आरोप लगा रहे हैं, सो ग्राम सभा जो हम लोग के यहाँ जो होता है उसमें है जो सरकार अपने नियम के अनुसार चिट्ठी भेजती है, आज आपको ग्राम सभा करना है, विशेष ग्राम सभा करना, आम सभा करना है। ग्राम सभा का मतलब तो सारे लोग जो भी बैठे हुए हैं सारे लोग जानते हैं, उसमें जनता को बुलाकर जनता में कमी आ गई है, हम लोग बुलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, जो हम लोग क्या कहें उनको, वो अपना सवाल जवाब करते हैं और हम लोग वहीं तक सुन के रह जाते हैं, उनको जवाबों को हम लोग पूरा नहीं कर पाते, मांगों को। तो इसीलिए हम लोगों को लगता है जो भाई जब कुछ है ही नहीं तो फिर आखिर ग्राम सभा क्यों। हम लोगों को ग्राम सभा को पूर्ण रूप से मजबूत कर दे सरकार, ताकि हम लोगों के पास जो कोई भी जनता आवे, कोई अपेक्षा उम्मीद लेके आवे, जो मुखिया जी के पास जाते हैं मेरा ये काम होना चाहिए, तो हम उसको निराश होके अपने पास उनका काम सुचारू ढंग से करें, यही हमसे सरकार से हम लोगों का यही मांग है। ये अधिकार हमको सरकार जब तक नहीं देगा, आंदोलन को जितना व्यापक रूप में हम लोगों को ले जाना होगा हम लोग व्यापक रूप में सरकार से हम एक सब कह जाए जे हमरा सबके जे अधिकार भेटल छले 73वां संविधान संशोधन विधेयक में 29 अधिकार ओकरा पुनः बहाल कयल जाए, आ जो से नहीं बहाल कलथि तो अखन सामने में जना अहाँ और दोसर संगे हम सब हमर सबके जे प्रतिनिधि जीतल छथि MLC में अहाँ के उनको हम सब कह चाहे छियनि जे हमर सबके आवाज के विधान परिषद में उठाबत, और जहिना अहाँ के सत्ता पक्ष के आदमी जे छलथि तिनका हम सब 4 नंबर पर घसका देलियनि, तहिना विधान परिषद में हमर सबके आवाज यदि नहीं उठेती तो हुनका अगला बेर में कतौ जेती तर कोनो पता नहीं। हमरा सबके जनता अपन बहुमूल्य वोट द क नीक प्रतिनिधि के रूप में चुनि कऽ एतय भेजला, लेकिन हम सब आई एतेक कमजोर अपना के महसूस कर रहल छी, गरीब गुरबा के लेल सरकार से मांग रहल छी, नहीं कि अपना कमजोर मुखिया किया कमजोर हुनकर जे अधिकार छन से सबटा सरकार में निहित भ गेलै है।